हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कमलेश चौधरी, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। आज हम फिजिक्स में मिड सेशन टेस्ट सीरीज फॉर जेईई मेंस 2022 में पेपर 4 out of 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स के जो टॉपिक्स है वो कवर हो रहे हैं अपने इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लूइड और हीट का पार्ट। तो उसमें जो सेक्शन 1 है, ए है, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक सॉलिड बॉल है, स्मॉल साइज की है, डेंसिटी उसकी 2 रो दे रखी है और एक स्ट्रिंग से उसको लटकाया हुआ है और जस्ट इमर्ज है लिक्विड में, जिसकी डेंसिटी रो दे रखी है। तो डेटा क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी गिवन है, लिक्विड की डेंसिटी गिवन है और जस्ट इमर्ज है इसके अंदर। अब क्या किया, स्ट्रिंग को कट कर दिया, वॉल्यूम भी गिवन है इसका वी। अब ये इसके अंदर गिर रहा है तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा हुआ है, पूरे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज हुआ है। तो देखें सिस्टम में क्या क्या होगा, बॉल है प्लस लिक्विड है। बॉल तो नीचे जाएगा इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए बोल रहे कि डिक्रीज हुई है mgh, लेकिन इस जगह पहले लिक्विड के बजाय ऑब्जेक्ट था, अब ये जिस जगह पहुंचेगा वहां पे लिक्विड हट गया और यहां पे लिक्विड आ गया। तो हम कुछ इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि यहां से बॉल तो इस जगह पहुंच गया होगा और इस वाली जगह का जो लिक्विड है वो यहां से यहां पहुंच गया, यही चेंज हुआ है पूरे सिस्टम में। तो इसके अकॉर्डिंग हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में चेंज निकाल सकते हैं, दोनों के लिए लिखते हैं। तो जो लिक्विड है वो यहां पे बॉल के अकॉर्डिंग, बॉल के लिए लिख देंगे mgh, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है बॉल की। जो लिक्विड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है m लिक्विड gh, ये लिक्विड के लिए। मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं डेंसिटी 2 रो, वॉल्यूम v gh के बराबर, माइनस प्लस लिक्विड की डेंसिटी रो और वॉल्यूम जितना ऑब्जेक्ट का है उतना ही ऊपर गया है तो v g h के बराबर। तो डिफरेंस लेंगे तो माइनस रो v g h के बराबर ये चेंज आया इसके अंदर। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपना ऑप्शन हो जाता है माइनस के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन 4। सॉरी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस पूछा हुआ है तो ओवरऑल ये चेंज हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब चेंज जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब लॉस जो है वो बताना है, तो लॉस क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इलास्टिक मासलेस रॉड है जिसको बैंड किया है कोई बॉडी बिल्डर है, उसने बैंड किया और मेंटेन रखा हुआ है इसी पोजीशन में, ये फिगर जो दे रखा है वो, मतलब एक तरह से रॉड है उसको बैंड किया हुआ है इसने और इस तरह से होल्ड किया हुआ है। फोर्स एक्टिंग एट द एंड्स ऑफ रॉड विल बी नियरली, जो रॉड के एंड्स पे जो फोर्स लग रहा है, मतलब उस बॉडी बिल्डर ने जो लगा रखे हैं वो फोर्स किस तरह से होगा। तो देखो जब हम बैंड कर रहे हैं और यहां पे होल्ड किया हुआ है उसको तो वो रॉड जाना चाहेगी वापस, तो उसके अगेंस्ट फोर्स लगा रखे हैं। अब इनमें से ऑप्शन जैसे हमें क्या लग रहा होगा, एक तो हो सकता है ये लगे या ये ऑप्शन लग रहा होगा, इस तरह से लगेगा नहीं क्योंकि होल्ड करके रखना है तो अंदर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जरा इस वाली सिचुएशन में देखें, इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स किधर हो गया, डाउनवर्ड, जबकि होल्ड करके रखना है, एक्सेलरेट थोड़ी करवाना है उसको, तो डाउनवर्ड नेट फोर्स नहीं आना चाहिए, नेट फोर्स को कितना आना चाहिए, 0। तो इस तरह से हमें फोर्स लगाना है कि वो रेस्ट में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे और यहां से वापस नहीं जाए, तो इसलिए फोर्स हमें हॉरिजॉन्टली दूसरे एंड पे लगाने हैं, मतलब इक्वल एंड अपोजिट जो कैंसिल आउट हो सके और नेट फोर्स 0 हो सके, क्योंकि होल्ड करके रखना है, रेस्ट रखना है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 चार्जेस गिवन है और ये इक्विलिब्रियम में है, तो यहां पे बताना है कि सरफेस टेंशन का वैल्यू कितना है। ये एक लिक्विड फिल्म है, उस लिक्विड फिल्म के अंदर ये इक्विलिब्रियम में है, कोई ग्रेविटी कंसीडर करनी नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स बैलेंस हो रहा होगा सरफेस टेंशन वाले फोर्स से। नेट फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं मैं अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सरफेस टेंशन वाले फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा। तो बैलेंस करते हैं जरा, पहले तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख लेते हैं, इन दोनों का रिपल्शन हुआ KQ² / ये √2a डिस्टेंस है, स्क्वायर करेंगे 2a², इसका इधर की ओर रिपल्शन लगा KQ² / डिस्टेंस a², इसका रिपल्शन अपवर्ड KQ² / a², रिजल्टेंट इन सब का इधर की ओर ही आना है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, 90° पर है, रिजल्टेंट इधर से आएगा, पहले से एक है तो इनका इक्विवेलेंट लिख रहा हूं मैं पहले। तो ये हो गया KQ² / 2a² और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा √2 टाइम्स आ जाएगा, तो प्लस √2 टाइम्स KQ² / a²
या अब सरफेस टेंशन के फोर्स को बैलेंस करने के लिए इस पॉइंट चार्ज पे तो लिख नहीं सकते हम, सरफेस टेंशन का फोर्स लिखते हैं किसी लाइन पर, वर्चुअल लाइन पर। तो हमने एक लिक्विड ये लाइन कंसीडर कर ली जिसपे इस वाले सेगमेंट पे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इधर की ओर खींच रहे थे 45-45 डिग्री पे, और सरफेस टेंशन का फोर्स नीचे की ओर पुल कर रहा होगा। सरफेस टेंशन का फोर्स लिखते हैं T इंटू L, और ये लेंथ A के बराबर है, लेकिन थिन फिल्म है तो दो लेयर होगी तो इसका डबल ये है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट इससे बैलेंस करवा दे तो इसका √2 / √2 मिला के इंटू √2 times हो जाएगा, तो इसका √2 times, जिसमें से KQ² / A² कॉमन ले लो, बाकी वैल्यू है 1/2 + √2, ठीक है। और ये किससे बैलेंस हुआ, 2TA से। अब A से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो नीचे आ जाएगा √2 / √2 को अंदर भेज दो तो KQ² / A³ / √2 आया था, और √2 अंदर भेजा तो 1/2 √2 और +1, इतना सरफेस टेंशन का वैल्यू है। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग आ गया अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक आइस ब्लॉक है जिसके अंदर एक वुडन बॉल है और आयरन बॉल है, इसी के अंदर ही है तो ये जमी हुई है पूरी, और आइस ब्लॉक जो है वो फ्लोट कर रहा है वाटर पे। अब क्या है कि आइस मेल्ट हो गई, आइस मेल्ट हुई तो इस लेवल पे क्या फर्क पड़ रहा है वो पूछा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, आइस मेल्ट होने से पहले वाले इस वॉल्यूम को और आइस मेल्ट होने के बाद जो वॉल्यूम मिलेगा अपन को, आइस मेल्ट हो गई इसके बाद जो वॉल्यूम मिलेगा, इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं एक बार। अब इस वॉल्यूम के अंदर क्या क्या होगा, वुड तो फ्लोट कर रही होगी, डेंसिटी बता रखी है वुड की कम है, लेकिन जो आयरन बॉल है वो तो नीचे गिर जाएगी, ये नीचे गिर गई क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और जो आइस है वो इसी के अंदर मिल गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो हम क्या करेंगे, पहले वाला वॉल्यूम और अब वाला वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, जिसमें पहले वाले में क्या गया, ये वॉल्यूम इनसाइड प्लस ये जो वाटर है, और अब वाले में क्या गया, वॉल्यूम इनसाइड वुड का, वाटर आयरन बॉल का, और आइस जो मेल्ट हो गई उसका, वॉल्यूम कंपेयर करते हैं जरा। तो पहले वाले वॉल्यूम के अंदर है एरिया इंटू हाइट लिख दिया, ये हाइट h, बेस एरिया a, तो एरिया इंटू हाइट में क्या हो गया, वॉल्यूम वाटर का है पूरे का, और वॉल्यूम इनसाइड जो आइस वुड आयरन ब्लॉक वाला सिस्टम था उसका। वॉल्यूम इनसाइड कैसे कैलकुलेट करें, बॉयंसी फोर्स से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर है वो, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड इंटू जी, ये पूरे के वेट को बैलेंस कर रहा है, और वेट के अंदर है आइस वुड और आयरन, ये एम जी। अब यहां पर वॉल्यूम इनसाइड के लिए जी कैंसिल कर दिया, डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, तो ए एच की वैल्यू आ गई वाटर प्लस वॉल्यूम इनसाइड मास ऑफ आइस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये अब ये पहले वाले सिचुएशन में, अब वाली सिचुएशन में कितना है, तो अब वाली सिचुएशन में लिख दिया ए एच डैश, और इसके अंदर क्या क्या है, वही वाटर जो पहले था वो, प्लस आइस मेल्ट हुई है, तो आइस का वॉल्यूम कैसे लिखूं, मास जो था मास अपॉन डेंसिटी, लेकिन वो वाटर में कन्वर्ट हुआ है इसलिए मास अपॉन डेंसिटी लिखना है, मास तो आइस का ही है लेकिन डेंसिटी वाटर की, प्लस वुड जो फ्लोट कर रही है, अब वुड फ्लोट कर रही होगी तो ये बाकी टर्म हट गए, वॉल्यूम इनसाइड क्या होगा, मास ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वही बॉयंसी फोर्स से कंपेयर किया इसको, प्लस आयरन बॉल तो पूरा इनसाइड है तो ये आयरन का वॉल्यूम भी इसमें है, आयरन का वॉल्यूम क्या लिखूंगा, मास ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ आयरन, ये हुआ। अब दोनों टर्म को कंपेयर करते हैं जरा, तो ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, वुड के करस्पॉन्डिंग सेम है, आयरन के करस्पॉन्डिंग ही हुआ, तो यहां पर डेंसिटी से डिवाइड हो रखा है, वाटर की डेंसिटी है तो जो कम हो गई इसके कंपेरिजन में, ये टर्म कम है तो ओवरऑल ये टर्म ज्यादा हो जाएगा, तो ए एच जो है वो ग्रेटर है ए एच डैश, इसका मतलब ये है कि पहले वाली हाइट ज्यादा थी अब वाइट हाइट जो है थोड़ी कम हो जाएगी,
तो हाइट इसके अंदर थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, विल डिक्रीज। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे, फिफ्थ, एक सिलेंड्रिकल सॉलिड जो है ये फ्लोट कर रहा है लिक्विड में रूम टेम्परेचर पे। अब रूम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? एच आई मतलब हाइट इनसाइड जो है वो किस तरह से वेरी होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, किस तरह से चेंज होगी, और वैल्यूज में कंपैरिजन किसका करना है? अल्फा और गामा का। अल्फा सॉलिड का और गामा लिक्विड का कंपेयर करना है। तो देखिए हाइट कैलकुलेट करें, तो हाइट के लिए मैं क्या लिखूंगा, ये फ्लोट कर रहा है तो एम जी जो इसका होगा वो बैलेंस होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड इनटू जी से। ठीक, जी तो कैंसिल करो, मास तो चेंज होना नहीं है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनसाइड को लिख सकता हूं उसका बेस एरिया इनटू हाइट इनसाइड, ये है ऑब्जेक्ट का बेस एरिया। अब टेम्परेचर चेंज करने पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंज होगी, बेस एरिया उस ऑब्जेक्ट का चेंज होगा, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट चेंज होगी, तो मास तो वो का वही रहना है। बाद में डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, ये एरिया हो गया पहले का एरिया 1 प्लस बीटा, बीटा को बोल सकता हूं 2 अल्फा डेल्टा टी और एच आई डैश नई हाइट। तो पहले वाली हाइट और नई वाली हाइट को कैलकुलेट करने के लिए रेशियो ले लो एक बार, तो एच आई डैश नई वाली हाइट अपॉन पहले वाली हाइट, ये लिख दिया अपन ने, ये डिवाइड बाई ये, तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी और ये टर्म नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा एस डेल्टा टी। इसको ऊपर ले जाएं और फिर हायर पावर हटा दे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाए, हायर वाली पावर हटा दें, तो ये टर्म 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी और ये टर्म मिला के ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू जो है ये 1 तो है ही, ये वैल्यू पॉजिटिव हुई तो एच आई डैश इंक्रीज हुआ है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब गामा एल ज्यादा होगा तब तो हाइट इंक्रीज होनी है, और अगर गामा एल कम हुआ, ये टर्म नेगेटिव हो गया तो 1 से कम आ जाएगी वैल्यू, इसका मतलब पहले हाइट ज्यादा थी अब कम हुई है, तो इसके बेसिस पे हमें कंपेयर करना है। तो देखें कंपेरिजन इन दोनों का ही करना है, तो यहां पर कंपेरिजन नहीं किया हुआ, इक्वल किया हुआ, तो इक्वल में तो क्या होगा, हाइट होगी वही रहेगी, इक्वल में तो कैंसिल आउट हो गए, 1 है तो इक्वल तो कहीं नहीं दे रखा। दूसरे में बोल रखा है कि अल्फा एस ज्यादा है, अगर अल्फा एस ये टर्म ज्यादा होगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, हाइट डिक्रीज होनी चाहिए जबकि इंक्रीज बोल रखी है, तो अल्फा एस अगर लेस देन है इससे, तो ये अगर लेस हुआ तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हाइट इंक्रीज होगी, तो ये कौन सा हो गया, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चले, क्वेश्चन नंबर 6 में एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दे रखा है मोनोटॉमिक आइडियल गैस के लिए, पीवी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, एन मोल है, हीट करके टेम्परेचर T1 से T2 राइज कर दिया, वर्क कितना है? तो इसको हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलेंगे, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पीवी रेज टू पावर एन इक्वल्स टू कांस्टेंट या ए बोल दो, कांस्टेंट होता है, और इसके अंदर जो वर्क की वैल्यू आती है वो आती है एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस ए। फॉर्मूला एक तो एन दे रखा होगा, एन के टर्म में चाहिए आंसर, आर डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल, और 1 माइनस ए, ए का मतलब पावर है वो 2 है, तो नेगेटिव ऑप्शन कहीं नहीं दे रखा, ये माइनस 1 आया था अंदर भेज दो, तो एन आर T1 माइनस T2, तो ये ऑप्शन कौन सा है, एन आर T1 माइनस T2, तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा इसमें। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है कि एक वेसल को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट किया ए एक्सेलरेशन से, तो डायरेक्शन ऑफ बॉयंसी फोर्स ऑन एयर बबल करेक्टली रिप्रेजेंटेड, तो बॉयंसी फोर्स का कॉज है प्रेशर डिफरेंस, तो अगर यहां पर कहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो उस वाले केस में हाइट के साथ साथ प्रेशर डिफरेंस आता है, हॉरिजॉन्टल में आता नहीं है, तो नीचे प्रेशर ज्यादा आता है ऊपर की ओर बॉयंसी फोर्स लगता है, लेकिन जब हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करवाएंगे तो हॉरिजॉन्टल में प्रेशर डिफरेंस आएगा रो ए एल के बराबर, जिसकी वजह से इधर वाले पार्ट में प्रेशर ज्यादा होगा इधर वाले में कम होगा, तो एक हॉरिजॉन्टल में भी बॉयंसी फोर्स का कंपोनेंट आएगा, तो ओवरऑल बॉयंसी फोर्स क्या होगा इनका रिजल्टेंट, जो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, इधर की ओर बॉयंसी फोर्स लगेगा।
या ये भी बोल सकते हो कि ये सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर एक तरह से बोयंसी फोर्स, सरफेस इंक्लाइंड हो जाएगी उसके परपेंडिकुलर लगने वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक रॉड है जिसकी लेंथ है 4L और दो मटेरियल से बनी हुई है, टू रो और रो डेंसिटी है और हॉरिजॉन्टल है शुरुआत में, लिक्विड की डेंसिटी है रो। इनिशियल टॉर्क बताना है रॉड पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास देखना पड़ेगा, फिर फोर्सेस देखने पड़ेंगे, फिर उनका टॉर्क देखते जरा। तो सेंटर ऑफ मास इसको ऐसे मान लो कि ये पूरा इसके सेंटर पे एक 2m मास है, डेंसिटी डबल है इसलिए 2m ले लिया, लेंथ तो आइडेंटिकल है, एरिया भी सेम है, तो इसका मास m हो गया और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिड वाले सेक्शन को 0 मान लेते हैं, तो ये हो गया सेंटर तक l कॉमा 0 और ये हो गया माइनस l कॉमा 0। तो सेंटर ऑफ मास के लिए m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा, तो ml कैंसिल हो गया, माइनस 1 रह जाएगा ml जिसमें m कैंसिल हो गया, तो माइनस l बाय 3, ये xcm आ गया सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट। अब इसके बाद अब फोर्सेस देख लें, इस पे फोर्सेस एक तो बॉयंसी फोर्स लगेगा, बॉयंसी फोर्स लगता है ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, तो इसके सेंटर पे यहां बॉयंसी फोर्स लगा और बॉयंसी फोर्स की वैल्यू है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया इनटू लेंथ ले लिया 4L, सॉरी रो वी जी के बराबर। ये तो हो गया एक, दूसरा mg लगेगा, इस वाले सेक्शन का अलग, इस वाले सेक्शन का अलग लिख सकते हो, लेकिन सबसे बेटर है सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टोटल mg लगेगा, तो नीचे की ओर mg लगेगा पूरा m, 3m बोल दूं। तो इसका टॉर्क तो 0 आ गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही, सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूछा है, केवल इसका टॉर्क आ गया और इस वाले सेक्शन से सेंटर ऑफ मास जो है वो माइनस एल बाई 3 पर है, एल बाई 3 डिस्टेंस इधर, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क केवल इस फोर्स का आया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वैल्यू आ गई रो ए 4lg इंटू एल बाई 3, तो 4/3 टाइम्स आ जाएगी ये वैल्यू, देखते हैं एरिया ए ही है, ठीक है 4/3 टाइम्स ए ए एरिया एल स्क्वायर जी, ये वैल्यू आ जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कोई एक पर्सन जो है कुछ हाइट पर है और ये ड्रिंक कर रहा है वाटर इस वेसल से, तो यहां पर मैक्सिमम हाइट कितनी पॉसिबल है जहां तक ये पानी पी सकता है इसमें से, तो देखें यहां पर जब पानी पी रहा होगा तो वो खींच रहा होगा एक तरह से, या ये बोल सकते हैं कि यहां पर जैसे ही खींचने लगेगा एयर उसने खींच ली, उसकी वजह से यहां पर प्रेशर डिक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से ये ऊपर की ओर राइज होने लग गया, ठीक है, तो यहां पर जब ये खींच रहा होगा तो मिनिमम प्रेशर जो हो सकता है वो 0 तक जा सकता है, उसे नेगेटिव तो जाएगा नहीं, तो जब ये इसको वाटर को खींचने लगेगा तो पूरी एयर यहां पे खींचते टाइम पर हो सकता है यहां पे मिनिमम प्रेशर हो जाए कितना 0 तक, 0 से नेगेटिव जाएगा नहीं, उससे नीचे अगर प्रेशर की जरूरत पड़ेगी तो फिर पॉसिबल नहीं है, तो हमने एच हाइट ले ली और एच हाइट के करस्पॉन्डिंग यहां पहुंचते मिनिमम प्रेशर 0 हो जाना चाहिए, तो यहां पर तो आउटसाइड पी नॉट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लिख रहे हैं, पी नॉट ऊपर गए माइनस रो जी एच, ठीक है हाइट प्रेशर के साथ चेंज हो रहा है, हाइट प्रेशर चेंज हो रहा है सॉरी हाइट के साथ, और फाइनली उस पॉइंट पर पहुंच गए उसका प्रेशर मिनिमम 0, तो इससे पी नॉट इक्वल्स टू रो जी एच के बराबर आ गया। पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी, लगभग 10^5 पास्कल, डेंसिटी वाटर है 10^3, जी की वैल्यू 10 ले लें तो एच की वैल्यू यहां से अप्रोक्सीमेट आ जाएगी, 4 कैंसिल हो गए, 10 मीटर के अराउंड ये वैल्यू आ जाएगी, तो 10 मीटर के अराउंड ये मैक्सिमम हाइट हो सकती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक स्फेरिकल बॉल है, रेडियस r है, रिलेटिव डेंसिटी 0.5 है वाटर के कंपैरिजन में या लिक्विड के कंपैरिजन में, और ये फ्लोट कर रहा था वाटर में आधा इनसाइड, अब वर्क डन कितना होगा इसको पूरा का पूरा डिप कर दिया वाटर के अंदर, तो सिचुएशन ये है कि पहले ये था, अब इसमें पूरा इस पे फोर्स लगा के पूरा इसके अंदर भेज दिया लिक्विड के अंदर,
तो इस वाली सिचुएशन से इस वाली सिचुएशन तक लाने में कितना एक्सटर्नल को वर्क करना पड़ेगा। तो हम ये मान रहे कि केवल लेके ही आना है, कोई वेलोसिटी नहीं देनी है, तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और जो भी बाकी फोर्सेस हैं, फोर्सेस कौन कौन से हो गए, ग्रेविटी, बॉयंसी फोर्स, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से लग रहा है, या इस टर्म को रहने दे एक बार, मैं ये बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूं। अब काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज करना नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना है, तो यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर बोल सकते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी कौन सी चेंज हुई, ये वाला जो स्फेयर है ये यहां से पूरा अंदर पहुंच गया, तो इसका सेंटर यहां से यहां पहुंच गया, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बोल सकता हूं माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच मतलब रेडियस तक नीचे गया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हुआ है कि यहां पे पहले वाटर नहीं था, अब इतने सेक्शन वाला वाटर जो है वो उठ के ऊपर आ गया, एक तरह से इस लेवल तक पहुंच गया होगा। तो पहले इतने लेवल का वाटर जो है वो यहां पे उठा हुआ है, अब इतने लेवल का वाटर इस लेवल तक उठा हुआ है, तो हम ये मान रहे हैं कि यहां पे पहले जो वाटर था वो इतने लेवल तक उठ चुका है, उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी इंक्रीज हो रखी है और अब टोटल कितनी इंक्रीज हो जाएगी जब ये उठ के ऊपर आ गया। वाटर चेंज की बात कर रहा हूं, पहले यहां से वाटर गायब हुआ है जब ये पहले इसके अंदर हाफ सबमर्ज हुआ था, अभी पूरा सबमर्ज होगा तो इतना वाटर ऊपर आ जाएगा, तो दोनों में चेंज मैं बोल सकता हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाटर की, तो इसके करस्पॉन्डिंग लिखते हैं, इसका सेंटर यहां से नीचे हुआ, इतना वाटर यहां से ऊपर गया, तो ये सेंटर हो गया, हेमिस्फेयर में सेंटर ऑफ मास होता है 3R/8 पे, तो इसको हमने सेंटर ऑफ मास पे मान लिया पूरे वाटर को, तो पहले यहां से इतना उठा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रखा है एम, एम लिखेंगे डेंसिटी, वॉल्यूम, वॉल्यूम आता ही है, डेंसिटी लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, तो इतना मास हो गया, और जो हाइट है 3R/8 ऊपर उठी हुई है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रखा है, ये यहां पे था लिक्विड, यहां से उठ गया, तो इस लेवल से इतना लेवल तक उठाने में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इतना हुआ है, मास लिखा है जी एच के बराबर। जब ये इतना डिप हो गया तो यहां का वाटर उठा के ऊपर रख दूं, उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम पूरे स्फेयर के बराबर, आर और आर सेम ही है, अलग अलग लिख दिया, और हाइट में चेंज कितना हुआ है, रेडियस के बराबर, क्योंकि वो पूरा वाटर यहां से उठ के यहां तक गया हुआ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर कैपिटल आर लेते हैं, प्लस चेंज लिखना है बाद में ये वैल्यू है, पहले ये पहले ज्यादा आ रखा है, मतलब ज्यादा है पहले कम था, तो डिफरेंस लिया इनका, तो ये 4/3 है, बाकी टर्म सेम रहेंगे, 2 से ये 4, ये 3 कैंसिल, 4/3 प्लस डिफरेंस लेना था, सॉरी 4/3 प्लस 1/4 माइनस, और बाकी टर्म क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड π r³ gh, ये r⁴ हो जाएगा, ये वैल्यू है। अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखूं, डेंसिटी आधी है ऑब्जेक्ट की लिक्विड के कंपैरिजन में, तो ρ/2 इनटू वॉल्यूम 4/3 π r³, एक और r है 4 × g, ये माइनस का, तो ओवरऑल चेंज देखते हैं, ये इसकी जगह लिखा हुआ है, ये वाटर की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, तो ओवरऑल चेंज में ρ π r⁴ × g, और इधर टर्म है 2/3 का माइनस, इधर टर्म है +4/3 -1/4, एलसीएम ले लो 12, ये आ जाएगा 8 माइनस का, ये आ जाएगा +16, ये आ जाएगा -3, तो ये आ गया 5/12, बाकी टर्म ये है, तो 5/12 टाइम्स वर्क करना पड़ेगा उसको, तो 5/12 टाइम्स बाकी टर्म π r⁴ ρg के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में एक पॉइंट चार्ज +Q वो सेंटर पे रखा हुआ है एक रिंग के, और रिंग का लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है लैम्डा, तो इसमें एक क्रॉस सेक्शनल एरिया y यंग्स मॉडुलस, तो इसकी रेडियस में कितना चेंज होगा,
इस फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह। तो यहां पे क्यू चार्ज, इस पूरे रिंग पर भी चार्ज है, तो उस चार्ज की वजह से इसमें रिपल्शन लगेगा, बाहर की ओर जाएगा, बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से इसके अंदर टेंशन फोर्स डेवलप होगा, और उस टेंशन की वजह से इसमें एक्सपेंशन आएगा। तो हमें वो इंटरनल टेंशन कैलकुलेट करना, फिर एक्सपेंशन लगाना है। तो इंटरनल टेंशन के लिए एक छोटा सा सेगमेंट लिया, उस सेगमेंट में इधर की ओर बाकी पार्ट और इधर की ओर बाकी पार्ट पकड़ के खींच रहा होगा टेंशन फोर्स। इस वाले सेगमेंट में बाहर की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा कि क्यू वन इस पार्ट की लेंथ, ये एंगल थीटा ले लूं, तो इस पार्ट की लेंथ होगी आर थीटा, तो लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, आर थीटा ये चार्ज हो गया, ठीक है। तो इधर की ओर फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। अब ये फोर्स इस टेंशन फोर्स से बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल ड्रॉ करते हो तो ये हाफ एंगल है, ये भी थीटा बाई टू ही आएगा। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स, एंगल कम है तो सेंटर की तरफ फोर्स आएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, थीटा कम है तो टी साइन थीटा को टी थीटा लिख दिया, साइन थीटा मतलब टी साइन थीटा बाई टू था वो, टी साइन थीटा बाई टू, टी साइन थीटा बाई टू ट्वाइस था, साइन थीटा को थीटा लिख दिया। और ये इक्वल है के क्यू लैम्डा आर थीटा बाई आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो गया, एक थीटा कैंसिल हो गया, टू कैंसिल हो गया, तो इंटरनल टेंशन फोर्स है के क्यू लैम्डा बाई आर। इस इंटरनल टेंशन फोर्स की वजह से इसमें एक्सपेंशन हुआ, तो चेंज इन रेडियस, हमें चेंज कैलकुलेट करना है रेडियस में, तो डेल्टा आर बाई आर ये हो गया स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस ये है, ये हो गया स्ट्रेस अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, आर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल हो आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई के क्यू लैम्डा बाय ए वाई, के क्यू लैम्डा बाय ए वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में एक ट्यूब की लेंथ दे रखी है एल, रेडियस आर, और स्टडी फ्लो हो रहा है डेंसिटी रो का एक लिक्विड, विस्कोसिटी है नीटा, और फ्लो वेलोसिटी जो है वो एक्सिस से डिस्टेंस के साथ साथ वेरी हो रही है, एक्सिस से डिस्टेंस वेरी होगी स्मॉल आर, तो फोर्स वेरी हो रहा है, वेलोसिटी वेरी हो रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है वो देखना है। तो देखें जब इसके अंदर ट्यूब के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स तो बिल्कुल एंड वाले सेक्शन पे लगेगा, तो बिल्कुल एंड वाले सेक्शन पे हम एक लिक्विड लेयर ले रहे हैं, एक छोटी सी लिक्विड लेयर, ठीक है, जिसकी रेडियस तो आर है, कैपिटल आर है, लेकिन बाद में पुट कर देंगे उसको कैपिटल आर, अभी ये कंसीडर किया हुआ है कि आर रेडियस पे डी आर थिकनेस की एक लेयर है, उस लेयर में विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो विस्कस फोर्स की वैल्यू लिखेंगे नीटा ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया 2πr(l), नीटा ए डीवी बाई डी जेड, डीवी बाई डी जेड मतलब वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी हो रही है, तो ये है वी, हमें कैलकुलेट करना है डीवी बाई डी जेड या डीवी बाई डी आर बोल सकते हो, तो डीवी बाई डी आर करेंगे, वी नॉट कॉन्स्टेंट है, वन का जीरो आएगा, आर स्क्वायर का टू आर आ जाएगा, तो यहां पे ये वैल्यू आ जाएगा वी नॉट टू आर बाय आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन जो आएगा उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं अभी, तो ये विस्कस फोर्स की वैल्यू आई इस सेक्शन पे, वो इधर इस वाले सेक्शन पे अंदर की सेक्शन पे पीछे की ओर और ऊपर वाले सेक्शन पे आगे की ओर लग रही होगी, तो ये वैल्यू हो गई 4πr² l और नीटा वी नॉट बाय आर स्क्वायर। अब जब ये बिल्कुल ट्यूब के लेंथ पे होगा, सॉरी एजेस पे, सरफेस पे होगा, तो ये दूसरा वाला विस्कस फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स ही होगा जो उसको स्लिप नहीं होने देगा, तो ट्यूब के अंदर एक सेक्शन मूव करता हुआ जा रहा है और ऊपर जो सरफेस है वो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, और ये फ्रिक्शन फोर्स इस विस्कस फोर्स के बराबर होगा, तो जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रख देंगे एज पे, तो ये जो विस्कस फोर्स है ये विस्कस फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, तो कैपिटल आर रखेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, टर्म रह गया 4πl नीटा वी, 4πl नीटा वी, फर्स्ट ऑप्शन जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में हमें सीपी बाई सीवी एक हाइड्रोजन गैस के लिए बता रखा है 1.67 30 केल्विन पे, लेकिन ये डिक्रीज होके 1.4 हो गया, तो 1.67 कब होता है, जब हम मोनोटोमिक की जैसे ट्रीट करते हैं 3/2, ये हम सीवी की वैल्यू कुछ इस तरह से कंसीडर करें,
और सी बी की वैल्यू 5/2 कंसिडर करें तो ये 5/3 जो है 1.67 आ जाएगा गामा की वैल्यू। तो मोनोटॉमिक जब होता है तब हम ये कंसीडर करते हैं, और 1.4 जो आता है वो डायटोमिक के करस्पॉन्डिंग 7/5 डायटोमिक का, तो 7/5 कितना है 1.4, मतलब ये मोनोटॉमिक अब डायटोमिक की जैसे बिहेव कर रहा है। होता क्या है कि एक्चुअल में जब टेम्परेचर कम होता है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो एक तरह से नेग्लिजिबल है, केवल ट्रांसलेशनल की जैसे था, तो इसलिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले था, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट में आने लगेगी, और टेम्परेचर और ज्यादा होगा तो वाइब्रेशनल आने लगेगी, इसलिए ये जो गामा की वैल्यू है 1.67 1.4 फिर उसके अकॉर्डिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड होने के अकॉर्डिंग और चेंज होती जाएगी टेम्परेचर बढ़ने पर। तो इसलिए यहाँ पर जो H2 है उसके लिए बोल रखा है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ क्या हो रहा है, तो ये मोनोटॉमिक था अब डायटोमिक में कन्वर्ट हुआ, सीवी की वैल्यू सॉरी मोनोटॉमिक नहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल के एक तरह से कंसीडर करना चाहिए कि पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो सीवी की वैल्यू हो गई अब 5/2 R और सीबी की वैल्यू हो गई 7/2 R, तो ये भी इंक्रीज हुआ है R से, ये भी R से इंक्रीज हुआ है, तो दोनों R से इंक्रीज हुए होंगे, तो इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, फोर्थ ऑप्शन इसमें हो जाए। नेक्स्ट 14 में एक टेस्ट ट्यूब दे रखा है जिसमें मरकरी कॉलम की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, डेंसिटी दे रखी है मरकरी की, और 8 सेंटीमीटर का एक लिक्विड है वो इसमें भरा हुआ है जिसको स्लोली इसके अंदर भर दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मरकरी कितना होगा, कितना नीचे खिसक जाएगा वो पूछा हुआ है। तो पहले एयर कॉलम की लेंथ को कंपेयर करें बाद वाली एयर लेयर की कॉलम की लेंथ से, तो पहले एयर की लेंथ मैं लिख सकता हूं यहां पे पी नॉट प्लस रो जी एच, यहां का प्रेशर, तो इसके अंदर पहले प्रेशर इंटू वॉल्यूम लिख रहे हैं, पहले प्रेशर पी नॉट प्लस रो मरकरी जी एच मरकरी, इतना प्रेशर था। प्रेशर इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं एरिया इंटू हाइट, ये हाइट पहले की पता है 119.95, ये पहले की सिचुएशन में थी, ये पी वन वी वन पहले लिखा, बाद वाली कंडीशन में पी टू वी टू प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच, डेंसिटी मरकरी की हाफ है तो इसको हाइट को फिर आधा ही कंसीडर कर लो, डेंसिटी मरकरी कंसीडर करके 4 कंसीडर कर लें, ये लिख देते हैं एक बार, प्लस उस लिक्विड को क्रॉस किया तो यहां से यहां तक चेंज होने में प्रेशर रो जी एच, रो मरकरी का आधा जी एच, एच 8 था तो 8/2 लिख दी, 8 लिख दिया सॉरी, प्लस मरकरी की वजह से रो जी एच जो 4 है लिख देते हैं यहां पर, लेकिन ध्यान रखना यूनिट यहां पे अभी सेंटीमीटर में लिखी हुई है अपनी, और ये आ गया प्रेशर और हाइट था यहां पे ये एच ही था, ये हाइट है मरकरी का 4 और इनटू ए एच डैश, तो अब कॉलम की हाइट कितनी आ जाएगी वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पी नॉट को मैं बोल सकता हूं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, तो 76 सेंटीमीटर कॉलम ये हो गया प्लस 4 ये हो गया 76 प्लस 4 80 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम, एरिया कैंसिल हो गया, 76 प्लस ये हो गया एक तरह से 4 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम और 4 ये आ गया 8, तो 76 प्लस 4 80 प्लस 4 84, 84 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में ही था तो पूरा सेंटीमीटर में रेशियो कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी एच की वैल्यू है 19.95, तो ये है 80 डिवाइड बाय 84 इंटू 19.95, ठीक है। आप इसको देखोगे तो ये कुछ कैंसिल आउट होगा और ये वैल्यू फाइनली हमारे पास एच डैश की वैल्यू यहां से आ जाएगी 19 के बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एयर कॉलम पहले 19.95 था अब 19 हो गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0.95 का, तो 0.95 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन 3 हो जाएगा इसके करस्पॉन्ड। 15 में मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ मोल ऑफ डायटोमिक गैस, उसका दे रखा है टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कुछ इस तरह से कि उसकी मोलर हीट कैपेसिटी सी नॉट से 2C0 तक वेरी हो रही है जब टेम्परेचर टी नॉट से 2T0 हो रहा है, तो इसमें यह बताना है कि वर्क कितना हुआ है, गैस ने कितना वर्क किया है इस प्रोसेस के अंदर,
तो देखिए वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। वर्क की वैल्यू आ जाएगी क्यू माइनस डेल्टा यू के बराबर। अब मोलर ही स्पेसिफिक हीट दे रखी है तो क्यू को मैं लिख सकता हूं एन सी डी टी का इंटीग्रेशन प्लस डेल्टा यू हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, यहां पे माइनस है तो इनकी वैल्यूज लिखते हैं। अब एन अगर बाहर ले ले, वन मोल दे रखा है वैसे तो एन वन मोल है तो सी डी टी का इंटीग्रेशन मतलब ग्राफ का एरिया हो गया, सी डी टी का इंटीग्रेशन ग्राफ का एरिया हुआ। तो इस ग्राफ का एरिया हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ बेस और पैरेलल साइड्स का सम सी नॉट प्लस टू सी नॉट थ्री सी नॉट और माइनस गैस है डायटोमिक तो माइनस एन सी वी की जगह डायटोमिक में कितना हो गया 5/2 आर डेल्टा टी और डेल्टा टी की वैल्यू टी नॉट है। अब यहां पे सी नॉट की वैल्यू भी गिवन है, सी नॉट की वैल्यू 5/3 तो इसको जब 5/3 रखेंगे, 5/3 रखा तो 3 कैंसिल आउट हो गया और ये वैल्यू आ गई 5/2 आर टी नॉट और ये माइनस 5/2 आर टी नॉट क्योंकि एन की वैल्यू तो 1 था अपना, इसलिए तो फाइनली वर्क कितना आ गया 0। तो इस प्रोसेस के अंदर वर्क की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, एक लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है एल और पास किया हुआ इसको होल से एक बीट के होल से जिसका मास है एम और यंग्स मॉडुलस वाई, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है उसका स्ट्रिंग का, फ्री एंड्स जो है इसके उनको टाइट कर दिया एक रॉड से, तो यहां पे जो रॉड है उससे दोनों एंड फिक्स किए हुए इसके, तो एक बीट के अंदर से पास करवाया और दोनों एंड एक ही जगह बांध दिए, तो इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। तो देखें इसकी लेंथ में चेंज होगा क्योंकि फोर्स लगा है, तो इस पे इस एम मास पे बोल सकता हूं दोनों स्ट्रिंग की वजह से टेंशन फोर्स लगा टी और टी टू टी और बाहर की ओर या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दो एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसके रेस्पेक्ट में लिख के ये लिख दिया। तो इक्वेशन क्या आएगी टू टी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये आ गया टेंशन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ये टेंशन फोर्स आ गया। अब इस टेंशन फोर्स से इसकी लेंथ में चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसकी लेंथ हो गई 2R, ये R और ये R इधर से तो लेंथ पहले L थी जो लेंथ अब हो रखी है 2R, तो यंग्स मॉडुलस अप्लाई करते हैं और लेंथ में चेंज लिखते हैं, तो लेंथ में चेंज डेल्टा L बाय L इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस और डेल्टा L को क्या लिख सकता हूं लेंथ एक्सटेंड कितनी हो गई 2L और पहले लेंथ कितनी थी L डिवाइड बाय L और T की वैल्यू यहां से लिख रहे हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय टू, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दे रखा है यंग्स मॉडुलस वाई, ये लिखा। अब आर की वैल्यू पूछी हुई है कैलकुलेट करनी है तो इसको इधर ले गए, तो ये एल से मल्टीप्लाई किया पहले, फिर इसको एक साइड ले गए तो ये था टू या टू से भी डिवाइड कर दो और ये टर्म हो गया इधर फोर, तो R 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर R कॉमन चला गया L बाय 4AY इक्वल्स टू L बाय 2। अब इसको इधर ले आए और बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, हायर पावर हटा दी उसके बाद, तो R इक्वल्स टू L बाय 2 वो इधर आया डिवाइड में आता, ऊपर पावर माइनस 1 आती बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया तो 1 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर L बाय 4AY ये वैल्यू आ गया, तो इतना रेडियस में इतना रेडियस हो जाएगा इसका। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में L by 2 ये ब्रैकेट में कॉमन ले रखा था अंदर भेज देंगे तो ये L by 2 यहां आ गया और प्लस L स्क्वायर M ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर by 8AY के बराबर, इतना रेडियस का वैल्यू हो जाएगा। तो देखें L by 2 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 8AY यह जाएगा, तो इसमें अपना ऑप्शन ये वाला हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दे रखा है और पाथ ए बी सी बता रखा है,
इसमें बताना है कि डेंसिटी वॉल्यूम ग्राफ नियरली किस तरह का होगा। तो डेंसिटी वॉल्यूम ग्राफ के लिए बोल सकते हैं कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है, मास तो चेंज होना नहीं है, तो सीधा बोल सकते हैं डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किसी भी तरह का कंडीशन दे रखा हो, डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में फॉर स्मॉल पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन केस ऑफ सॉलिड। अब गैसेस के अंदर तो क्या होता है, Cp माइनस Cv आइडियल गैसेस के अंदर R के बराबर है। इसको ऐसे सब कंसीडर कर लें कि Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U बोल रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में। तो कांस्टेंट प्रेशर में ये हो गया N Cp डेल्टा T इक्वल्स टू W प्लस N Cv डेल्टा T। गैसेस के अंदर तो फ्रीली एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वर्क जब एक्सपेंशन हो रहा है तो किसी तरह का कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्स्ट्रा नहीं है, बस वॉल्स पे फोर्स लगाती जा रही है। लेकिन जब इसके अंदर सॉलिड के अंदर एक्सपेंशन होगा तो सराउंडिंग के अगेंस्ट भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, प्लस इंटरनल फोर्सेज है उसकी वजह से कम एक्सपेंड होगा, तो वर्क तो आएगा लेकिन स्मॉल वैल्यू होगा एज कंपेयर टू गैसेस। तो इसलिए ये टर्म अगर स्मॉल होगा तो सीपी माइनस सीवी की वैल्यू स्मॉल आएगी, आर के बराबर नहीं, स्मॉल रहेगी। तो सीपी जो है वो स्लाइटली ग्रेटर तो होगा लेकिन आर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ये स्लाइटली ग्रेटर है यहां पे। 18 के बाद 19 में ए बी और सी डी जो है वो तो है आइसोथर्मल, बी सी और डी ए जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो वी सी रेशियो वी बी क्या होगा, तो वी सी और वी बी का रेशियो पूछा हुआ है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस में पूछा हुआ है। तो इस एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर यहां पे टी कंसीडर कर लेते हैं, यहां पे टी टू ले लेते हैं, तो टी वन वी रेस टू पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू यहां पे टेम्परेचर वी बी रेस वी सी रेस टू पावर गामा माइनस वन। सेम इसके लिए भी अप्लाई कर दिया, टेम्परेचर यहां पे टी वन वी ए रेस टू पावर गामा माइनस वन, इसके लिए डी के लिए टी टू वी डी रेस टू पावर गामा माइनस वन। टेम्परेचर टर्म कैंसिल हो गया, बाद में पावर भी रिलेट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई। मतलब वॉल्यूम VC और VB का रेशियो VA बाय VD, VA बाय VC है पहले, सॉरी VC बाय VB, VD बाय VA के बराबर, तो इक्वल टू VD बाय VA सेकंड हो जाएगा। 20 मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे नाइट्रोजन का दे रखा है 3.5 और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया ग्रेजुअली तो ये हो गया 4.5। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले नाइट्रोजन डायटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो थी वो 5 के करस्पॉन्डिंग आ गया, ये कांस्टेंट प्रेशर पे 7/2 लिखा हुआ है, तो ये डायटोमिक या डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल दो 5। ये अब बोल रखा है 9/2, इसमें दो एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम एक तरह से ऐड किया हुआ है जो है वाइब्रेशनल, तो एक तरह से वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसकी वजह से ये कंडीशन है, तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ग्रेजुअली बिकम्स इफेक्टिव, तो इसलिए ये वैल्यू वेरी हुआ है। सेक्शन डी पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन डी में, इसमें एक बॉडी 40 डिग्री सेल्सियस जो था उसका टेम्परेचर वो कूल हो रहा है, सराउंडिंग का 30 डिग्री सेल्सियस है, हीट कैपेसिटी बॉडी का 2 है और 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया अगले 10 मिनट में। अब बॉडी को क्या किया, वापस से हीट किया 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक सेम सराउंडिंग, तो हीट कितना एब्जॉर्ब करेगा हीटर से इस 10 मिनट के टाइम पर। तो 10 मिनट में ये कूल हो रहा था, अब 10 मिनट में वापस उसको गर्म कर दिया, तो अगर हम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कंसीडर करें तो जो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज हो रहा है दोनों ही कंडीशन में सेम हीट रिलीज करेगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर पहले 40 से 38 आया, सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 है, हीट रिलीज कर रहा था 10 मिनट में कुछ, अब उतने ही टेम्परेचर डिफरेंस में सेम टाइम में उतनी ही हीट फिर से रिलीज करेगा, क्योंकि अभी भी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग का कम है, तो दोनों ही कंडीशन में जो हीट रिलीज की है सराउंडिंग में वो सेम है। अब पहले तो हीट रिलीज कैसे कैलकुलेट कर ले, एम एस डेल्टा टी से, इतनी हीट सराउंडिंग के पास गई, ठीक है, एम की वैल्यू है, एम एस की वैल्यू गिवन है 2, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है 40 से 38 का, तो सराउंडिंग को जो हीट गई है वो 4 गई है, तो यहां पर इस ड्यूरेशन में 38 से 40 जब जाएगा तो भी सराउंडिंग को हीट तो 4 जूल ही जानी होगी,
सेम आइडेंटिकल कंडीशन है। अब ये हीट सराउंडिंग में भी गई प्लस इसका टेम्परेचर भी बढ़ाना है और टेम्परेचर सेम राइज करवाना है, तो इतनी हीट तो 4 जूल तो इसको देनी पड़ेगी किस चीज के लिए, टेम्परेचर राइज करने के लिए, और उस ड्यूरेशन में 4 जूल सराउंडिंग को भी रिलीज कर रहा है, तो टोटल हीट जो देनी पड़ेगी यहाँ पे वो 8 जूल दोनों का सम देनी पड़ेगी, ताकि 8 जूल में से 4 जूल तो इसका खुद का टेम्परेचर राइज हो जाए और सराउंडिंग के साथ हीट रिलीज हो ही रही है तो 4 जूल सराउंडिंग को भेज दे, क्योंकि जितना टाइम उसमें लग रहा था वही टाइम यहाँ पे, तो 8 जूल टोटल हीट इसको रिक्वायर्ड है इस वाली कंडीशन के लिए। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में 10 ग्राम आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, 10 ग्राम वाटर के साथ मिक्स किया, कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, फाइनली इक्विलिब्रियम पे इतना वाटर है तो एक्स का वैल्यू बताना है कितना है। तो देखें यहां पर आइस मेल्ट हो रही है, पहले तो टेम्परेचर राइज हुआ फिर मेल्ट हुई और इस तरह से वाटर का टेम्परेचर कुछ वाटर का अमाउंट कुछ राइज हुआ होगा, और ये बोल रखा है कि कुछ अमाउंट है, इसका मतलब हम मान सकते हैं फाइनली जीरो पे आया होगा, एक बार चेक करके देखते हैं जीरो के करस्पॉन्डिंग, फिर अगर नहीं आएगा तो फिर ये होगा कि पूरा कन्वर्ट हो गया, तो फिर पूरा वाटर आ जाएगा 20 ग्राम। तो एक बार ये करके देखते हैं कि आइस को मेल्ट करवाते हैं कुछ अमाउंट और वो हीट इससे लेते हैं वाटर से, तो एम एस डेल्टा टी, पहले आइस का टेम्परेचर राइज करवाया फिर कुछ अमाउंट आइस का मेल्ट करवा दिया और वो हीट हमने ले ली वाटर से, और वाटर को भी कहां भेज दिया, फाइनली जीरो पे। तो फाइनली जीरो पे एक बार अज्यूम करके देख रहे हैं, तो आइस 10, स्पेसिफिक हीट हाफ, टेम्परेचर राइज करना है 10 से जीरो पे पहुंचाना पड़ेगा पहले, एम कुछ अमाउंट मेल्ट हुआ पूरा नहीं ले रहे, लेटेंट हीट है 80, मास ऑफ वाटर है 10, स्पेसिफिक हीट है 1, टेम्परेचर इसका भी डिक्रीज करके हमने जीरो पे ले आए 10 डिग्री था, तो ये टर्म है 100, ये टर्म है 50, इधर आएगा तो 50 रह जाएगा और डिवाइड बाय 80, तो ये एम आइस का आ गया जो मेल्ट हुआ, और ये अमाउंट कितना हो गया 5/8, इसको हम बोल सकते हैं 2.5/4 या और कर दो 1.25 और हाफ कर दोगे तो 0.625, तो ये वैल्यू आ गई 0.625 के बराबर। तो इतना अमाउंट जो है वो आइस का मेल्ट हो गया, इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया ये पूछा हुआ है कि टोटल जो है वो कितना हो रहा है, तो टोटल वाटर का, अब जो हमने कंडीशन कंसीडर की थी वो सही भी आ रही है क्योंकि 10 ग्राम आइस था इतना सा ही मेल्ट हुआ है तो सही कंडीशन है, तो टोटल वाटर जो हो गया वो हो गया 10 ग्राम पहले से था प्लस 0.625 ये आया। तो ये पूछा हुआ कि एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 0.62 दो डेसिमल प्लेस तक दे रखा है तो लगभग ही एक्स की वैल्यू आ गई 10, तो 10 ग्राम आइस वाटर 10 ग्राम प्लस 0.62 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है कि यहां पर एक कंडक्टिंग रॉड्स दे रखी है जिसमें से हीट कंडक्ट हो रही है, ए में से 60 वॉट हीट कंडक्ट हो रही है, ए मतलब इस वाले सेक्शन में से, तो इस वाले एंड पर टोटल कितनी हीट रिसीव हो रही है, तो यहां पे इन दोनों सेगमेंट को हम कंपेयर कर लें और हीट कंपेयर करके निकाल लें तो दोनों की हीट का सम इधर फ्लो हुआ होगा, तो इनको कंपेयर कैसे करें, यहां पर दोनों के अंदर जो हीट फ्लो होगा इन दोनों के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो हीट फ्लो के लिए मैं कंपेयर कर सकता हूं के ए डेल्टा टी बाय एल से, इधर लिखा के ए डेल्टा टी बाय एल, इससे कंपेयर करूं और ये हीट फ्लो पहले में I1/I2 कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, के और ए तो कैंसिल हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, ये दूसरा सेक्शन ये पहला सेक्शन, तो पहले सेक्शन के अंदर हीट फ्लो हो रहा है 60, दूसरे सेक्शन के अंदर हीट फ्लो कैलकुलेट करना है, लेंथ ये L2 पर चला जाएगा तो इसकी लेंथ है 50 बी वाले सेक्शन की और ए वाले सेक्शन की लेंथ है 50 + 5 + 5 = 60, तो यहां से I2 की वैल्यू आ गई 36/360/5, तो ये आ जाएगा डबल इसका 72 वॉट के बराबर, इसका मतलब 60 वॉट, ये वॉट था
60 वाट इसमें से, 72 वाट इसमें से, टोटल हीट जो होगा इनका सम हो जाएगा, जो हो जाएगा 132 इनका सम, 132 वाट। और पूछा क्या है, 100 प्लस एक्स बोल रखा है, तो एक्स की वैल्यू हो गई 32। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में टेम्परेचर एक हॉट लिक्विड का नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी का जो फॉल हो रहा है वो 3 केल्विन पर मिनट फॉल हो रहा है, और हीट इमिशन की वजह से सराउंडिंग पे, और जस्ट बिफोर बिगिनिंग टू सॉलिडिफाई, मतलब सॉलिड होने से जस्ट पहले की कंडीशन ये है। अब आगे जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही रह रहा है, लिक्विड फॉर्म में 30 मिनट के लिए कॉन्स्टेंट रह रहा है, और लिक्विड जो है वो सॉलिडिफाई हो गया अगले टाइम में। इसका मतलब इस टाइम पर उसमें लिक्विड टू सॉलिड फेज चेंज हो रहा है, और इस टाइम पर उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब हीट जो है वो सेम रेट से फ्लो हो रही है उस ड्यूरेशन में, क्योंकि हम टेम्परेचर लगभग क्या बोल रहे हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है, मतलब जो भी लिक्विड था, इसका टेम्परेचर इस छोटे से रेंज में जब वो सॉलिडिफाई हो रहा है लगभग कॉन्स्टेंट है, और उससे जस्ट पहले ही ये रेट है, तो सराउंडिंग को जो हीट फ्लो करवाएगा वो सेम फ्लो करवाएगा। तो उस 30 मिनट के ड्यूरेशन में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले जो रेट ऑफ हीट फ्लो हो रहा था सॉलिडिफाई होने से जस्ट पहले, ये है एम एस डेल्टा टी बाई, या डी टी बाई डी टी बोल दो, डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उस टाइम पर, रेट ऑफ हीट चेंज बोल सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू एल, इस तरह से लिख दिया। अब m तो कांस्टेंट है, वो तो कैंसिल आउट हो गया, तो s बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये कितना आ गया, एक तो ये आ गया डी एल बाई डी टी, तो एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, तो ये एल एफ बाय डी टी में कन्वर्ट हो गया, सॉरी टी में, इधर m है, m कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू हो गई डी टी बाई डी टी, जो डिवाइड में आ जाएगा वो है 3 केल्विन पर मिनट, ठीक है, और डी टी टाइम से डिवाइड करना है इसको, तो टाइम से डिवाइड किया वो है 30 मिनट। और पहले क्या पूछा हुआ है, लेटेंट हीट बाय स्पेसिफिक हीट, तो ये इनवर्स में पूछा हुआ है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 90 एस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय एस, तो ये 90 के बराबर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में एक ब्लैक बॉडी को सराउंड किया हुआ है, उसका एरिया दे रखा है 1 cm² और सराउंडिंग है, और उस सराउंडिंग का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और ब्लैक बॉडी का है 327, और ये हमारे एक सॉरी सिग्मा की वैल्यू गिवन है स्टीफन्स कांस्टेंट की, जिसको टी लिख दिया है, यूनिट वाइज वही है। तो अब पावर जो रिक्वायर्ड है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो कितना चाहिए, वो तो जब बॉडी का कुछ टेम्परेचर है सराउंडिंग से ज्यादा तो वो हीट रिलीज करेगा, और कितना रिलीज करेगा, ई ब्लैक बॉडी बोल रखा है 1, तो सिग्मा ए टी रेस पावर 4, लेकिन एब्जॉर्ब भी करेगा सराउंडिंग से, तो ये कंडीशन। अब ये टोटल हीट लॉस हो रहा है, अगर इतनी हीट देते जाए पर सेकेंड तो वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, तो हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिग्मा ये वैल्यू है 6 × 10⁻¹⁸, एरिया सरफेस एरिया दे रखा है 10 cm, -4 लिख दिया, बॉडी का टेम्परेचर 327 प्लस 276 केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 600 पावर 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 प्लस 273 300 केल्विन, तो ये हीट रिलीज कर रहा है। इसमें से 3 की पावर 4 कॉमन ले लें, 81 6 × 81, और बाकी रह गया 2⁴ 16 माइनस 1 15। अब पावर्स देखते हैं, अब यहां पे था 10⁴ का स्क्वायर, मान लो एक तरह से 10⁸, 8 से 8 गया, 10⁻⁴ रह गया, ये वैल्यू आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो ये आ गया 90 × 81, तो ये आ गया 972, तो ये आ गया 729 × 10⁻⁴। ठीक है, पॉइंट लगा दे तो ये हो गया 0.0, ये हटा रहा हूं,
इतना वॉट एनर्जी पर सेकंड चाहिए। अब इसको क्या बोल रखा है, इसको बोल रखा है अल्फा बाय 100, इसको अल्फा बाय 100 कर रखा है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर एक बार देख लें, ये जीरो भी था यहाँ पे, सॉरी, तो ये जीरो होने की वजह से ये आया 0.729। तो अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 72.9 के बराबर, तो अप्रोक्सीमेट 73 के बराबर है, तो अल्फा यहां पर 73 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो पेपर का डिस्कशन है वो खत्म होता है, और आगे वाले आने वाले पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।